आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। कोरोना काल की बात, बहुत देश भी खत्म हो गया। आपने श्रीलंका का हालात देखे, पाकिस्तान के पहले 200 रुपया दिहाड़ी मिलते थे, आज 500 रुपया 15,000 महीने मिलते हैं। लेकिन आज देखा जाए तो बच्चे के मुंह से दूध छीन लिया बीजेपी सरकार ने। भूपेश बघेल के लोग क्यों कहने लगा रहे अडानी को, इनसे पूछो रॉबर्ट वाड्रा के पास कहां संपत्ति कहां से आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए महंगाई की, तो इस टाइम महंगाई अपने चरम पे है। हर चीज का जो दाम है, सब्जियों से लेके फ्रूट से लेके दालों से लेके बढ़े हुए हैं। तो आइए जनता से चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ असर होने वाला है आगे इसका। क्या कहेंगे सर आप, जिस तरह से जो महंगाई बढ़ रही है, अगर महंगाई दर बढ़े, आज आप बताओ कोरोना काल की बात, तो हमारा विकास दर हमसे ज़्यादा कौन सा कंट्री को ज़्यादा बढ़ा है? अच्छा, हमारा महंगाई दर हमसे कौन सा कंट्री का कम है? आप ये चीज़ की भी बात में समझ रखो। कोरोना काल की बात, बहुत देश भी खत्म हो गया। आपने श्रीलंका का हालात देखे, पाकिस्तान के, इजराइल जो भी है, अभी चीन की भी अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो गया है। तो भाई आने वाला समय, हर चीज़ को टाइम लगता है। अगर हमारा देश में डेवलप होता है, हमारा देश में काम होता है, तो हमारा महंगाई जरूर बढ़ेगा, समझ गए आप। भाई पहले 200 रुपया दिहाड़ी मिलते थे, आज 500 रुपया 15,000 महीने मिलते हैं। देखिए आमदनी तो बढ़ी नहीं बढ़ी, लेकिन आज देखा जाए तो बच्चे के मुंह से दूध छीन लिया बीजेपी सरकार ने। अच्छा, दूध ही छीन लिया। बता तो रहे, दूध पे टैक्स, दही पे टैक्स, दाल पे टैक्स, खाने वाली चीज पे जिस पे कभी कांग्रेस ने टैक्स नहीं लगाया था, आज बीजेपी सरकार में वो सारे चीज़ों पे टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, और आज के समय में आप देख रहे हैं कि बीजेपी जितना प्रचार पे, प्रसार पे और फोटुआ खिंचवाने पे खर्च कर रही है, अगर वो जनता पे की होती तो शायद आज देश में महंगाई ना होता। आज हमारे देश की वो दशा दिशा कर दी है प्रधानमंत्री मोदी, कि आज आए दिन आप देख रहे हैं किसान आत्महत्या कर रहा है खेतों में, शाम को जा रहा है। अब तो मोदी बहुत कुछ दे भी रहे हैं। तो 750 किसानों को उन्होंने मार दिया किसान आंदोलन में। सरकार ने जो नीति लाई थी किसान के लिए, जो छोटे बड़े हमारे जो किसान है, आप अपना जो चीज़ है, जो किसान का जो चीज़ है, वो आप बाहर पर भी खुद बेच सकते हो, मंडी के अलावा भी आप बेच सकते हो। उसमें कोई सरकार उस नहीं था, सरकार का आप बाहर जाकर बेच सकते हो। जो उसमें जो कुछ खरीदे हुए किसान थे, जो अपने आप के किसान नहीं है, उद्योगपति है बड़े, उनके पास पेट्रोल पंप है, बड़े बड़े वो है उनके पास, वो आके बीच में किसान के काम रोकने का काम किया। आज मान लो अगर सरकार, जो किसान है हमारा प्याज उगाता है, वो अगर मंडी में 5 रुपये किलो बेचता है, वही प्याज खरीद के वहाँ के दलाल जो बिचौलिए होते हैं, उन्हीं के किसान के सामने प्याज का 15 रुपये में बेच देते हैं। वही अगर सरकार नीति ला के वही प्याज को बोले बाहर जाकर 15 रुपये में बेच सकते हो, किसान को पूरे पैसे मिलते कि नहीं मिलते, पूरे क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये बीजेपी पार्टी के अभी बोल रहे हैं ना कि वहाँ, देखिए कहते, सुनिए मेरी बात तो सुनिए, भारत जोड़ो यात्रा है, देखिए ये माननीय राहुल गांधी जी का, और देखिए हम नफरत नहीं करते हैं, ठीक है, हम प्यार और मोहब्बत से काम करते हैं। इन्होंने क्या कहा अभी कि वहाँ पे बैठे हैं, एक को ही दूसरे नजर आते हैं, ठीक है, एक दलाल को बोलूंगा। देखिए जो 28 जो जनवरी को जहाँ झंडा लहराया गया था, और वहाँ ठिया नवरीश यहाँ था, जो सहारनपुर साइड से जो आए थे भैया जी, हम उनके साथ थे, और वहाँ पे इनका जो खत्म हो गए, क्या उनको ये बताइए जो 700 शहीद हुए हैं, गम होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, बताइए क्या बीजेपी वालों ने उनके लिए क्या? हमारा बहमली जो चीज़ बताते हैं कि 15 रुपये के लोग में बेचेंगे, वो बेचने की बात नहीं है। हम ये क्या चाहते हैं कि जो किसान है, जो कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े वो उसमें बीच में किसानों को मिलना चाहिए, वो तरीका किसानों को मिलना चाहिए जो बीच में है, उनको हटा देना। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल भाई साहब बात समझिए, मोदी जी वही तो बीच में से हटाना चाह रहे हैं, बिल्कुल हटाने चाह रहे हैं। जो राजीव गांधी ने बोले थे, जो हम 1 रुपया मजदूर के पास भेजते हैं, सिर्फ उसमें से 25 पैसा मजदूर के जेब में जाता है, 75 पैसा हमारा नेता खा जाता है। राजीव गांधी खुद बोले थे ये चीज़ के, माने थे। आज जो भारत जो ये बात बोले, जो महंगाई की बात करें, जो राहुल गांधी 50 कंटेनर में तेल डाल के जो पूरे भारत जोड़ो यात्रा किया, अगर पैदल यात्रा किया रहता तो 50 कंटेनर में तेल डाल के पैसा बचता तो नहीं। आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने बात की आमदनी पे, अब मैं आता हूँ आमदनी पे। आमदनी देखे किसकी बड़ी? मोदी जी के सहयोगियों की, मोदी जी के साथियों की, अडानी जैसों की, अंबानियों जैसों की, महेश चौकसियों जैसों की, नीरव मोदी, ललित मोदी, और आपके डालमिया जैसों की, या विजय माल्या जैसों की। और एक चीज़ और, मेरे बड़े भाई ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा,
इतना तेल खर्च किया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे मतभेद जरूर हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते, मैं उनकी पूरी इज्जत करता हूँ। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, इन भाई का जवाब दे रहा हूँ, आप 1.5 लाख रुपए की घड़ी पहनते हैं, आप 1.5 लाख का पेन लगाते हैं, आप 2.5 लाख के सैंडल पहनते हैं, 14 लाख का सूट पहनते हैं, क्या अपने घर से लेकर आए थे? ये बात करें अडानी अंबानी का, हम आपके पास जेब में मोबाइल है भाई साहब? मोबाइल होंगे ना जेब में? एक सेकंड रखो भाई, मोबाइल जेब में होंगे? एक मिनट रुको, इनकी जेब में मोबाइल है, बोलो पूछो इनकी, पूछो। अडानी से इतनी परेशान है, अंबानी से इतनी परेशान है, अशोक गहलोत गले क्यों लगा रहे हैं, भूपेश बघेल गले क्यों लगा रहे हैं अडानी को? क्यों नहीं बोले राहुल गांधी अडानी चोर है? क्यों नहीं पूछ रहे? एक सेकंड से पूछो, रॉबर्ट वाड्रा के पास कहां संपत्ति कहां से आ गया? राजीव गांधी जी ने ये बता रहे हैं, उन्होंने बोला 1 रुपया में से 25 पैसा पहुंच रहा है, 75 पैसा नहीं पहुंच रहा है। ये एक ईमानदार प्रधानमंत्री के शब्द है या ये बेईमान प्रधानमंत्री बोल सकता है ऐसे? आप ये बताओ, अगर 75 पैसा नहीं पहुंच, 75 पैसा जा कहां रहा है? ये भी तो पूछोगे ना? आज भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिला के महाराष्ट्र में सरकार बनाई, आपने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, और राजीव गांधी वो नेता थे, उन्होंने अपने पार्टी के भ्रष्टाचार को जनता के सामने मंच पर खड़े होकर रखा कि मैं 1 रुपया भेज रहा हूँ, 25 पैसा। हिम्मत चाहिए, सत्ता के लोभी नहीं थे, और लोकपाल बिल बनाने का गठन उन्होंने किया, भ्रष्टाचारियों ने षड्यंत्र करके उनके प्राण ले लिए, समझे? राजस्थान के अंदर में जो राजेंद्र सिंह बुड्ढा ने सत की सवाल उठाया, उसको विधानसभा के अंदर में लात जूते से मार के उसको घसीट के विधानसभा से बाहर करने का काम किया। ये कांग्रेस की सरकार जो है, ईमानदार सरकार जो है, सीए जी की रिपोर्ट आई है, उसको संसद में क्यों नहीं रख रही है? नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं रख रही है? ईमानदार नरेंद्र मोदी जी राजीव गांधी की तरह बोलेंगे जो राजीव गांधी जी ने बोला? मोदी सुनो, मोदी जी ने क्या बोला? मेरी बात सुनो, मोदी जी ने क्या बोला? सबकी साथ सबकी विकास करने की बात का बोला, जो भ्रष्टाचार है, जो काला काम किया, जो कोयला चोरी किया है, सबको जेल में डालने का काम किया है। 250 पर इतना बड़ा घोटाला, सीजीआई की बता रहे हैं, घोटाला सीए जी की रिपोर्ट बता रही है, अगर वो काश पेश हो जाए ना, तो इनके एक नहीं कम से कम 1000 घोटाले और अरबों खरबों के हर मंच पे 56 इंच का सीने वाला मोदी जुमलेबाज आज आम जनता के जो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनाया, एक ही नंबर पे 250 करोड़ लोगों का ट्रांजेक्शन करवाकर, 250 करोड़ लोगों का एक ही नंबर पे ट्रांजेक्शन, इतना बड़ा। सुनो, ये भाई साहब बोले 56 इंच के मोदी के बात कर रहा है, जो सब सुबह उठ के सो के उठते थे ना, तो रेडियो में यही खबर आता था, आज की ताजा खबर, पाकिस्तान ने 6 फायर का उल्लंघन किया, हमारा 5 जवान शहीद हो गया। आप बगैर बोले जो सुनने की क्षमता रखो, 56 इंच के बाद उसके जवाब दे रहा हूँ। अब जब मैं टीवी खोलता हूँ ना तो ये खबर आता है, हमारा सेना की मुठभेड़ में 10 आतंकवादी ढेर, अब पत्थरबाजी बंद, पर जो पत्थर फेंकते थे 500 रुपया में, वो सब बंद हो गया, परेशानी यहीं का ये है। किसने कराया था बताओ ना? भारतीय जनता पार्टी ने कराया था। मुजफ्फरनगर में दंगा किसने कराया था? हाथरस कांड में दंगा किसने कराया था? और दूसरी बात, कन्नौज में दंगा किसने कराया था बताइए? सही, मुजफ्फरपुर नगर के दंगा की बात करना, सरकार किसकी था? किसका था? लो पूछो, किसका था बताओ? दंगा का वजह, दंगे की वजह बता दे रहे हैं। आज बीजेपी 10 साल में मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रही है, ठीक है ना? मेरी बात सुनिए, आज दंगा का वजह यही है कि मस्जिद के नीचे मंदिर, मंदिर के नीचे बुद्ध सभ्यता। अरे आप विकास की बात करो, आपने क्या किया देश? मैडम हम एक मैडम जो मस्जिद के बाद होता है ना, मैडम हमारा भाई सही कह रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक पक्ष के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड बना के दे दिए, पर्सनल एक पक्ष के लिए बक बोर्ड बना के दे दिए, पर्सनल एक परिवार के लिए इमामों के सैलरी तय कर दिए, लेकिन हमारा पंडित क्या गुनाह किया था उसको क्यों नहीं मिला? एक वर्ग के लिए हज यात्रा के लिए पैसे दे दिए, सब्सिडी दिए, लेकिन हमारा पंडित क्या किया था उसको क्यों नहीं मिला? उसको क्यों नहीं मिला? पूछो इनसे, पूछो, भग गया सबकी सब भग गया। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, जिस तरह से जनता यहाँ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, क्या देखने को मिलेगा आगे 2024 में? क्या महंगाई दर ऐसे बढ़ती रहेगी या कम होगी? अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें।
इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।